इत्तेहादियों के इतराजात और तहफुजात का मामला वज़ीर-ए-आज़म आज आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना देंगे। जोहराने में पीपल्स पार्टी से मुतालिक एमकेएम के खदशात पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से खदशात दूर और मुतालिबात मानने की दरख्वास्त करेंगे। जोहराने में चेयरमैन नैब की तकरारी समेत हुकूमती उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। इत्तेहादियों के एतराजात और तहफुजात का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म आज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना देंगे। जोहराने में पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक एमक्यूएम के खदशात पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से खदशात दूर और मुतालबात मानने की दरख्वास्त करेंगे, जबकि जोहराने में चेयरमैन नैब की तकर्री समेत हुकूमती उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। अहम इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत से नाराज़ है। अवामी नेशनल पार्टी का वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर किया जा रहा है। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकजी क्यादत का इजलास होगा। इस पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अहम जोहराना है जो कि आज दिया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। आज बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के इतराज़ात और तहफ़ुज़ात को दूर करने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मदद मांग ली है और मामलात हल किए जाने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में जोहराना देंगे। जोहराना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिया जाएगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मशावरत होगी। जोहराने में पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक एमक्यूएम के जो खदशात हैं उन पर बातचीत जो है वो मुतवक्के है। एमक्यूएम और बाप के तहफुजात पर गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम के खदशात दूर करने और उनके मुतालबात मानने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ जरदारी मुलाकात के बाद इत्तेहादियों के साथ मुश्तरक मुलाकात भी चंद रोज में होगी। इसके साथ साथ जोहराने में चेयरमैन नैब की तकर्री समेत हुकूमती उमूर पर बातचीत भी की जाएगी। दूसरी जानब हुकूमत की एक जो अहम इत्तेहादी जमात है जिस वक्त नाराज है, अवामी नेशनल पार्टी, वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर उन्होंने जो गौर है वो शुरू कर दिया है। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकजी क़यादत का इजलास इस वक्त जारी है। हुकूमती इत्तेहाद के लिए जो किए गए वादे हैं उन पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जा रहा है। ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ जो है वो एमल वली खान को दी है। एमल वली खान ने अदमी फैसलों के लिए मरकजी क्यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया है। ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया है। हुकूमत की जानब से किए गए जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए। ANP की जानब से ये मौके से इख्तियार किया गया है और ANP का ये कहना है कि अभी किसी भी हुकूमती फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।